कह दिया, मान लो लड़की हो जाए एक, ठीक है, लड़की हो जाए और पसंद करने वाले हो जाए दो दो, ध्यान ध्यान से समझना बात को। अब एक तो बंदा एक ही था और पसंद दो दो लोगों को किया जा रहा था, तो आपने कह दिया कि भाई मैं उतना उस लड़के को पसंद नहीं करता जितना उस लड़की को करता हूँ। तो पसंद करने वाला एक था, ठीक है, और पसंद दो लोगों को किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखो बच्चे कह रहे हैं कैसी पसंद है, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये पसंद आपको, अभी पसंद पसंद देख सुनते रहो आप अभी। अब देखो क्या हो गया, अब पसंद करने वाले दो लोग हो गए और लड़की बेचारी एक है, वो भी पसंद करता है, मैं भी पसंद करती हूँ, और लड़की एक ही है। तो उस केस में थोड़ी सी इमेजिनेशन बनाओ, इसको लेके थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या करना है। कहानी तो यहाँ पे तब मजा आता है जब आपको पता ही नहीं चलता। एक मैं हूँ, इमेजिन करवा रही हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, एक मैं हूँ और एक बंदा मेरे बराबर में खड़ा है, एक वो है, ठीक है, दो लोग हो गए, लड़की एक ही है, मैं भी उसको पसंद करती हूँ, वो भी उसको पसंद करता है, ठीक है। मैंने कहा जितना तू उसको पसंद करता है ना उससे ज्यादा मैं पसंद करती हूँ उस लड़की को, समझ रहे हो। अब